वॉइस केयर एंड वॉइस हेल्थ। यस दोस्तों, बात करते हैं कैसे हम हमारी आवाज को सुरीली बना सकते हैं। दोस्तों, हर आदमी लता मंगेशकर से वाकिफ है, हर आदमी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए उनसे वाकिफ है। अभी भी हमारे जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, इसलिए आवाज का सुरीलापन कितना अच्छा है, कितना महत्वपूर्ण है, ये वो समझ सकते हैं जो गाते हैं, जो सिंगर हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कैसे हम हमारी आवाज को जो है वो सही रख सकते हैं, कैसे हमें जो है आवाज को जो है वो अच्छा बनाया जा सकता है, कब हमें जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, जैसे एक नॉर्मल क्या है कि एक वॉइस होती है, जो वॉइस जो यूजुअली हमारी जो प्रोडक्शन होती है, जैसे करीब करीब 3 से 4 साल पे बच्चा जब बोलना स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ पे जो है वो स्वर यंत्र होता है जहां से वोकल कोड होते हैं, वोकल कोड से हमारी आवाज बनती है और हमारा होंठ, लिप्स, तालू ये मिलके शब्द बनाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे शब्द तो सारे बन गए लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये जानना है कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। करीब करीब 13 से 14 साल पे दोस्तों, जब सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट करेक्टर जब होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो जो आवाज में चेंजेज है उसके लिए तो हमें चिंता नहीं करना, वो हमारे नॉर्मल चेंजेज होते हैं जिसको हम प्यूब्रोफोनिया बोलते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे जब चेंजेज आते हैं लड़के और लड़की के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार जब हम वोकल कोड का एक्सेसिव यूज करते हैं, जैसे सिंगर होते हैं, बस कंडक्टर होते हैं, फेरी वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जिनको हमारी आवाज का एक्सेस यूज करना होता है, बड़ा पिच उनको लेना होता है, तो वो जो हमारे वोकल कोड हैं, जो हमारे ऐसे दोस्तों दोनों वोकल कोड होते हैं, इन वोकल कोड एक राइट और लेफ्ट, इन वोकल कोड के ऐसे अप्रोक्सीमेशन के कारण हमारी साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो ये जो वोकल कोड की जो म्यूकोजा है दोस्तों, वहाँ ट्रॉमा हो जाता है जिसको हम वोकल ट्रॉमा बोलते हैं, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, एंड अगर वो ट्रॉमा दोस्तों कंटिन्यू होता रहता है तो वहां पे एक दाना बन जाता है जिसको हम वोकल नोड्यूल बोलते हैं। बहुत बार क्या है कि वहां के अंदर की जो म्यूकोजा है वो बड़ी होके एक पॉलिप रूप लेता है जिसको हम वोकल पॉलिप भी बोलते हैं। जो इसके कारण क्या होता है, जब ये दोनों वोकल कॉर्ड दोस्तों मिलते हैं तो बीच में क्या है, वहां गैप क्रिएट होने के कारण हमारा जो आवाज की जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जैसे आवाज का जो भारीपन होता है, जो जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है कि दोस्तों हमें आवाज का अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता। सो दोस्तों, एक वोकल नोड्यूल है, वोकल पॉलिप है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है जो करीब 70 साल का है, 60 साल का है, उसमें अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, आवाज का चेंजेज होता है, जो वो क्रोनिक स्मोकर है 30-40 साल से, तो यहाँ क्या है कि जो वोकल कोड है उसके ऊपर क्या है, कई बार एक अलग टाइप का मास बन जाता है, तो वो दोस्तों कई बार क्या है, सीए मैलिग्नेंसी लैरिंग्स भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। सो जैसे ही आवाज के अंदर जो है वो आपको चेंजेज आता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो दोस्तों एक FOL टेस्ट होता है, फाइब्रोप्टिक लैरिंगोस्कोपी, एंड क्विक विद इन 2 मिनट्स आपका ये पता लग जाता है कि मेरे को मेरी आवाज के अंदर जो चेंजेज है उसका कारण क्या है। हाँ दोस्तों, तुरंत पता लग जाता है कि मेरा ये जो कारण है वो दवाई से ठीक हो गया या कोई सर्जरी की इसमें जरूरत है या कोई एक्सरसाइज की जरूरत है। दोस्तों, कई बार क्या है कि उसके अंदर जो हमारे वोकल नोड्यूल है या कोई दाना है तो उसको एक सर्जरी होती है दोस्तों, जिसको हम MLS बोलते हैं, माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी, MLS। उस माइक्रो लैरिंगोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से उसको दाने को और पोलिप को हटा दिया जाता है, 1 घंटे बाद आपकी आवाज क्विक जो है फर्स्ट क्लास जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस बताता है जो हमें लेनी होती है, उसमें बाहर से कोई चीर फाड़, टाका पट्टी या दर्द निशान ऐसा नहीं होता। बट दोस्तों, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ आपको खान पान में है, कुछ आपका लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन है, वो आपको करना होगा। खान पान में जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको क्विट करना होगा, आपको बहुत चिल्ड चीजें लेने का शौक है तो वो भी आपको कम करना होगा, एंड आपको अगर बहुत तेज बोलना है तो आपको उसमें पॉज देना है, एंड कुछ मेडिकेशन है, कुछ होम रेमेडीज है जो भी आपको जो है वो लेना होता है, एंड आपको एक्सेसिव वोकल जो ट्रॉमा है उससे आपको बचाव है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए जो है उनका सुरीली आवाज ही है उनका एक जो है बिजनेस है, एंड वो जो गाना नहीं गाएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, तो और उनकी आवाज खराब हो गई तो बहुत मुश्किल है। इसलिए
समय रहते आप उचित जो है उसका डायग्नोसिस करा के उसका ट्रीटमेंट देके आप अच्छी आवाज पा सकते हो दोस्तों। एंड ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, एक्सेसिव वोकल यूज नहीं करना चाहिए, एंड बहुत ज्यादा हाईली स्पाइसी एंड डिब्बा बंद जो चीजें चिल्ड चीजें वो नहीं लेनी चाहिए। सो देखा आपने दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है वोकल कॉर्ड की केयर एंड वोकल केयर, नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत बार अगर आपको वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, तो पेशेंट क्या है मानसिक जो प्रॉब्लम है वो भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमें फिर क्या है कि जहां पे क्राउड होते ही हम बोलते नहीं है क्योंकि हमें लगता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें जो है समय पे तुरंत उचित कदम उठा के उस चीज का हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे क्या है कि वोकल केयर एंड वोकल हेल्थ को हम प्रमोट कर सकें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली दोस्तों यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, हम उसका जरूर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।